वीडियो देखिए जिसमें एम्बुलेंस चालक अपनी जिम्मेदारी न निभाकर एम्बुलेंस से सवारी को ढो रहा था। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जिस जननी एक्सप्रेस को मरीज की सुविधा के लिए लगाया जाता है, उसी जननी एक्सप्रेस के जरिए सवारियों को ढोया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो जौरा रोड का बताया जा रहा है, जिसमें पहले तो चालक यात्रियों से किराए की डील करता है, फिर उन्हें बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। ये एम्बुलेंस मरीजों के लिए है ताकि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन यहाँ तस्वीरें कुछ और ही हैं। इस एम्बुलेंस का उपयोग यात्री बस की तरह सवारियों के लिए किया जा रहा था और कहीं न कहीं यही वजह है कि जिन एम्बुलेंस को मरीज तक पहुंचने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है, वो अक्सर मरीजों तक 1 से 2 घंटे बाद पहुंचती हैं, जिस वजह से कई मरीजों की स्थिति और बिगड़ जाती है, तो वहीं कुछ मरीजों की तो जान तक चली जाती है। दरअसल मरीज के लिए समय पर नहीं पहुंची जननी एक्सप्रेस मुरैना में सवारी ढोती नजर आई। इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान भी लिया और जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर को बर्खास्त कर दिया। सभी चालकों को चेतावनी भी दी कि अगर कोई भी जननी एक्सप्रेस सवारी ढोती नजर आई तो उस ड्राइवर को पद से बर्खास्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक जौरा की जननी एक्सप्रेस थी तो उसमें ऐसा वाकया नज़र आया, तो उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस दिया था। कार्रवाई करते हुए उस जननी एक्सप्रेस के वाहन चालक को तत्काल हटा दिया गया है और जो दूसरा वाहन चालक उस पर रख दिया गया है, और आगे चेतावनी दी गई है कि अगर मुरैना ज़िले की कोई भी एम्बुलेंस वाहन चालक अगर सवारी ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो न केवल उसे हटाया जाएगा बल्कि उस पर आगे से FIR करवाई जाएगी कि ये इस टाइप का करते, जिससे पुनरावृत्ति कभी नहीं हो। मामला जब विस्तार न्यूज ने उठाया तो इसका असर भी हुआ और कार्रवाई के साथ चेतावनी भी दे दी गई है। अब देखना ये होगा किस तरह लापरवाह चालक कब तक सरकारी सुविधाओं में भ्रष्टाचार करना बंद करेंगे और कब मरीजों को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।